सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 17 अप्रैल 2023, दिन है सोमवार, सूर्योदय हो चुका है सुबह 5:54 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:47 पर, चंद्रोदय होगा सुबह 4:45 पर, चंद्रास्त होगा दोपहर 3:56 पर। आज चंद्रमा रहेगा कुंभ राशि में, कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, ब्रह्म योग है। आज का जो शुभ मुहूर्त है 11:56 से लेकर के दोपहर 12:46 तक रहेगा। राहु काल है प्रातः 7:30 से लेकर के 9:07 तक रहेगा, पूर्व दिशा का दिशाशूल है। आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आज चंद्रमा कुंभ राशि में, कुंभ राशि पर शनि की 7:30 चल रही है, तो आज आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, गाड़ी तेज नहीं चलानी है और अपने मन की भावनाओं को नियंत्रण में रखें। प्लान करके बड़ा से बड़ा कार्य आज कर सकते हैं, सोच अपनी बड़ी रखिए, जो भी प्लान करेंगे उसमें आज आपको सफलता मिलेगी। राहु काल में किसी भी नए कार्य की शुरुआत न करिए, राहु काल में अगर कार्य की शुरुआत करते हैं तो कार्य नहीं होता, निषिद्ध होता है, इसलिए राहु काल में नए कार्य न करें। यदि आप कोई भी नया कार्य, महत्वपूर्ण कार्य अगर आपने प्लान किया करने के लिए, तो आज आपको क्या करना है कि शुभ मुहूर्त में करना अच्छा रहेगा। यदि लगता आज यात्रा अपरिहार्य है और छोटी दूरी की यात्रा है तो दही गुड़ खा के यात्रा करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं आज के महामंत्र की। चूंकि आज है सोमवार, इसलिए आज का हम मंत्र पढ़ेंगे कि ओम सर्वात्मने नमः, ओम सर्वात्मने नमः। यह जो मंत्र है देवाधिदेव महादेव का है, और जब देवाधिदेव महादेव के शरण में आप जाते हैं तो आपकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन खराब है, चंद्रमा की वजह से आप परेशान हैं, आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं, मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम चल रही है और आपको लगता है कि धन की स्थिति आपकी ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से आप इस मंत्र का जप करें, आपकी सारी मनोरथ पूर्ण होगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। आज सोमवार है और आज है देवों के देव महादेव का दिन। कहते हैं कि आज अगर भोलेनाथ के स्मरण मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, इसलिए